हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि अब वर्ग दो के एग्ज़ाम वास्तव में अगस्त में हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ईएसबी ने अपना शेड्यूल अपडेट किया है आप स्वयं देख सकते हैं, वर्ग दो का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में प्रस्तावित है। और ये पहला एग्ज़ाम ऐसा है कि जहाँ पर शेड्यूल तो अपडेट कर दिया जाता है लेकिन आपका सिलेबस जारी नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ पर शेड्यूल जारी करने से किसको लाभ होना है दोस्तों, उस पर भी बात करेंगे। साथ में जो है प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग तीन की पात्रता परीक्षा 20 सितंबर 2024 में प्रस्तावित है। हालांकि जो 2020 में पास हैं उन्हें ये एग्ज़ाम नहीं देना है, जो डिस्क्वालिफाइड हो गए थे उनके लिए पात्रता परीक्षा रखी गई है। उसके बाद आपकी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसे आप स्वयं जानते हैं वर्ग दो में भी ऐसा ही हुआ कि जो पात्रता परीक्षा पास हैं और जो 2018 वर्ग दो पास हैं वो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में ही आया था कि ईएसबी शेड्यूल के अनुसार जुलाई में परीक्षा कराना होगा मुश्किल, और वो मुश्किल इसलिए भी है कि कम से कम 45 दिन इन्हें लगते हैं एक एग्ज़ाम की पूरी प्रोसेस करने में, और अभी तक जो है वर्ग दो या मैं कहूँ वर्ग तीन ना नोटिफिकेशन आया है और जो सिलेबस है वो भी जारी नहीं किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के विषय में दैनिक भास्कर में एक अपडेट आई थी कि एमपी में भर्ती परीक्षा सबसे महंगी, राजस्थान में वन टाइम एग्जाम फीस गुजरात में 100 रुपये, ये कौन सा फार्मूला तय करेगी श्री मोहन सरकार। यहां पर आप देखें तो मध्य प्रदेश सरकारी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल को इस साल का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। मंडल अगस्त महीने में 9,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा लेना, लेकिन कैंडिडेट से ली जाने वाली फीस का फार्मूला क्या होगा तय नहीं है। 20 अप्रैल 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा में उम्मीदवार से साल में वन टाइम परीक्षा शुल्क ली जाएगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया था, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल के लिए परीक्षा आयोजित करवाना मुनाफे का सौदा है। मंडल छात्रों से वसूल परीक्षा शुल्क से हर साल करोड़ों रुपए की कमाई करता है। साल 2011-12 मंडल व्यापम ने परीक्षा शुल्क 98.30 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस साल केवल 27.89 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हर साल कमाई की ये रकम बढ़ती जा रही है। 2021 में बोर्ड ने परीक्षा में 103 करोड़ रुपये की कमाई की और खर्च मात्र 32.16 करोड़ रुपये हुए। इस साल बोर्ड के छात्रों से मिली परीक्षा शुल्क से करीबन 71 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, यानी करीब 70% फायदा हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे तो गुजरात में जो है 100 रुपये फीस लगती है और अन्य भर्ती परीक्षा में भी 100 रुपये लगती है। यूपी में 125 रुपये पीएससी की जो फीस है और अन्य भर्ती परीक्षाओं की 400 रुपये। राजस्थान में साल में एक बार 250 से 450 रुपये फीस लगती है पीएससी की, और अन्य भर्ती परीक्षा में साल में एक बार फीस लगती है। बिहार में 600 रुपये और छात्रों के लिए फीस में रियायत मिलती है अन्य भर्ती परीक्षा में। ये पीएससी का दिया गया अन्य भर्ती परीक्षा, जबकि मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो ये एक मुनाफे का सौदा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर शेड्यूल क्यों जारी किया जाता है, क्योंकि शेड्यूल में जो भी परीक्षाएँ शामिल की जाती हैं यदि उनका सिलेबस जारी किया जाए तो आप तैयारी कर सकते हैं। इससे आपको क्या लाभ है शेड्यूल जारी करने से, क्योंकि ये अस्थाई है, ये बढ़ता ही है और बढ़ेगा भी इसलिए कि अभी तक जो है नोटिफिकेशन ना वर्ग दो का आया है ना वर्ग तीन का आया है। तो इस शेड्यूल जारी करने से लाभ क्या होता है, तो इसका सीधा संबंध है उन कोचिंग क्लासों से जो अपना कोर्स बेचते हैं, चाहे पेड प्रमोशन के माध्यम से चाहे किसी और माध्यम से। उनके लिए ये शेड्यूल जारी करना यानी कि ये है कि ये एग्जाम होने हैं, इनका सिलेबस भले आए ना आए उन्हें अपना कोर्स बेचना है, तो उनके हिसाब से शायद ये जारी किया जाता है जिससे कि वो आप अपना लाभ कमा सकें, ईएसबी अपना लाभ कमा सके, क्योंकि सभी को अपना लाभ कमाना है। लेकिन जो हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके में बहुत कम सीटें आती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, हम 2018 की बात करें दोस्तों जो वर्ग दो के एग्ज़ाम लिए गए थे, यहाँ पर पोस्टें कितनी आती हैं, हिंदी से 100 पोस्टें आई थी, ट्राइबल में 348 पोस्टें आई, टोटल 448 पोस्टें हिंदी की थी। इंग्लिश की बात करें तो ठीक है, इंग्लिश में अच्छी खासी पोस्टें थी। सोशल साइंस की बात करें तो 60 पोस्टें थी यहाँ पर और ट्राइबल में 492 पोस्टें थी। साइंस की बात करें 50 पोस्ट आप यहाँ पर स्वयं देख रहे हैं। मैथ की बात करें तो मैथ की 1000 से ऊपर आई थी यानी 1312 डीपीआई में, ट्राइबल में अलग से थी।
संस्कृत की बात करें तो 772 और उर्दू की बात करें तो 18, ठीक है। ऐसे टोटल आपकी डीपीआई में 5670 पद थे, ट्राइबल में बात करें तो 5704 पद थे और टोटल थे 11374। इस बार बात करें तो करीबन आपके 9000 पदों पर भर्ती हो रही है, तो इस हिसाब से यदि तुलना भी की जाए तो 2018 और 2024 में पदों में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2018 से भी कम पद 2024 में आने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि ESV की बात कहें तो वो कहते हैं कि हम शेड्यूल इसलिए जारी करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकें। तो स्टूडेंट किस बेस पे अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकें कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का आप सिलेबस जारी करते इसकी जगह तो वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखते। अब आप यदि 10 दिन पहले या 15 दिन पहले सिलेबस जारी करते हैं और उन्हें उतना ही समय देते हैं तो ऐसी कौन सी तकनीक होगी कि आपका जो सिलेबस जारी होगा उसे कोई 10 दिन में पढ़ लेगा? उससे पहले जारी होना चाहिए, चाहे मैं प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करूं, चाहे माध्यमिक शाला आपकी भर्ती परीक्षा की बात करूं या अन्य भर्ती परीक्षाओं की बात करूं, ये आप जो शेड्यूल जारी करते हैं उससे अच्छा है कि आप उनका सिलेबस जारी करें जिससे कि लाभ मिल सके। मेरा ये वीडियो ना तो कोचिंग क्लास वालों के अगेंस्ट है और ना ESV के अगेंस्ट, क्योंकि जैसा जितना लाभ कमाना है वो कमा कर ही रहेगा, उसे रोकने वाला शायद ही कोई हो। लेकिन फिर भी कहूँगा कि वन टाइम जो फीस होती है अन्य राज्यों की तरह वैसे ही मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। शेड्यूल की जगह यदि सिलेबस जारी किया जाए तो छात्र जो हैं अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और कोचिंग क्लास वाले भी यदि उन्हें रियायत दे दें कोर्स में तो वहाँ भी उन्हें लाभ मिल सकता है, क्योंकि वो तैयारी शिक्षक भर्ती में उस पोस्ट के लिए कर रहे हैं जो कि कम से कम आती हैं। यानी हिंदी में DPI में 100 पोस्टें थीं और हिंदी में कितने फार्म फिल हुए आप स्वयं जान सकते हैं, वहाँ कंपटीशन क्या रहा होगा आप स्वयं उठाकर देख सकते हैं कट ऑफ। ऐसा ही कुछ वर्ग एक में भी देखने को मिला है, जो अच्छे खासे नंबर लेकर आए थे वो भी आज वेटिंग में हैं। तो इंसान कितना पढ़े और कैसे पढ़े इस विषय में भी हमारे जो बोर्ड है उन्हें सोचना चाहिए। हमने माना कि आप युवाओं के हितों में ये काम करते हैं, लेकिन शेड्यूल डालने से कुछ नहीं होना जब तक कि आप उन्हें पाठ्यक्रम ना दे दें, सिलेबस जारी ना कर दें और उस हिसाब से फिर उन्हें समय भी दिया जाए। कम से कम उन्हें 2 महीने या 3 महीने का समय दिया जाए जिससे कि वो सिलेबस कंप्लीट तो कर सकें और ऐसी डेट जारी की जाए जहाँ वाकई में एग्जाम हो। ऐसा नहीं कि एग्जाम डेट जो है वर्ग 3 की तरह आगे ही बढ़ती चली गई और लास्ट में जाकर बहुत से लोग जो है वर्ग 3 में पढ़ाई छोड़ चुके थे और हुआ ये कि वो लास्ट में जाकर डिस्क्वालिफाइड हो गए 2020 की एग्जाम में। तो ऐसा अब जो पात्रता परीक्षा ले रहे हैं उसमें ना हो जाए। मेरी अपील है सभी से कि आप भी ट्विटर पर और सब जगह ये मांग रखें कि एक तो अन्य राज्यों में वन टाइम फीस जो ले जा रही है वो भी मध्य प्रदेश में लागू हो, कम से कम फीस हो, समय पर एग्ज़ाम हो और कम से कम एग्ज़ाम के 3 महीने पहले सिलेबस जारी किया जाए जिससे कि जो हमारे नवयुवक हैं उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। हालांकि आप तैयारी जारी रखें क्योंकि वर्ग 2 में कम पोस्टों पर एक सीट हासिल करना तभी संभव है जब आप पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, जो भी पुराना सिलेबस है उसे ही रिपीट करें, क्योंकि उसके अलावा अभी कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।